बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। ये वीडियो देखने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है वो मेरी 100 गोल्डन एरर्स वाली जो प्रॉब्लम है उनको जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आप लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे। मैंने अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन में 100 गोल्डन एरर रूल्स आपको बताए हुए हैं बहुत ही बेस्ट तरीके से। इसके साथ ही प्रैक्टिस सेशन में करवा रहा हूँ, 25 क्वेश्चन एरर्स के मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। यकीन मानिए इतने बेस्ट कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे, ठीक है, आप एग्जाम में बहुत बेस्ट कर पाएंगे। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई ऑन अर्थ हैज ही नॉट कम, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है और हैज हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका पहले ही लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट है। सेकंड देखिएगा, येस्टरडे इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग। तो अगला देखिएगा आप, येस्टरडे इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग। देखिए रेन, रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ये इटसेल्फ इसका मतलब है, एक इडियम एंड फ्रेसिस है ये, ठीक है, इसका खुद का एक मतलब है, मतलब बरसात होना, ठीक है, हैवी रेन विथ स्टॉर्म एंड स्टोम, ठीक है, विद स्नो एंड स्टोम, हैवी रेन, ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे हमारा थर्ड सेंटेंस देखिए, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर माई एप्लीकेशन। आई वुड रिक्वेस्ट टू यू नहीं होता, सिंपल आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट मी। आगे फोर्थ देखिएगा, फोर्थ इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले। देखिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म लेगा, मैंने आपको बताया था 100 अगर आपने ग्रामर रूल्स पढ़े होते एरर्स फाइंड आउट करने के लिए तो आप कर पाते। ईच के बाद, ईच ऑफ दीज के बाद आता है, ईच ऑफ दीज वाले सेंटेंस के बाद हमेशा आपका सिंगुलर फॉर्म लेता है, तो ये आपका आएगा प्लेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, नन नोट वन ऑफ हिज लेक्चर्स। अब यहाँ पे अगेन सिंगुलर फॉर्म लेना है, नोट वन ऑफ हिज के बाद हमेशा आपका सिंगुलर फॉर्म लेगा विच इज हैज। आइदर सोहन और हिज फ्रेंड, अब आइदर सोहन और हिज फ्रेंड यहाँ पे आपका क्या लेना है, प्लूरल फॉर्म लेना है, ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म आपका आर आएगा, आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिस्चीफ। सेवन देखिएगा, आई डोंट सपोज एनी वन विल वॉलंटियर, विल दे, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ये आपका। इस तरह के सेंटेंस आपके इन्वर्टिव सेंटेंस होते हैं, इन्वर्जन सेंटेंसेस, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इस तरह के आपको करवाऊंगा मैं आपका, विल दे, ठीक है, बहुत आते हैं इस ये क्वेश्चन। आगे एट देखिएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हमेशा टू आता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे ऑफ माई वेडिंग, और इसके बाद जो टू के बाद आता है ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसके बाद वर्ब की ना टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, थर्ड आई एन जिरंट फॉर्म आती है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, ठीक है, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है, दिस इज अ स्पेशल केस, ठीक है, स्पेशल केस है। नेक्स्ट देखिएगा, नाइन्थ देखिए आगे, नाइन्थ, कैन यू कोप अप विद ऑल दिस वर्क, कैन यू कोप विद ऑल दिस वर्क, अप हटा देना। ही सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ लोयन क्लब फॉर 15 ईयर्स है, तो यहां पे क्या आएगा, या तो हैस लगा दो या फिर हैड लगा दो। ही हैड सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ लोयंस क्लब फॉर 15 ईयर्स, ठीक है, कर चुके हैं, तो ये काम ऑलरेडी उन्होंने किया, फोर आ गया ना यहाँ पे, फॉर 15 ईयर्स। आगे डेट वाज द, डैट वॉज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी, अगेन उस तरह का क्वेश्चन आ गया, दी मोस्ट नहीं होगा, ए होगा, डैट वॉज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी इन हिज लाइफ। 12th देखेगा, देर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट, देर इज नो प्लेस नहीं होता, देर इज नो रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के अंदर कोई कमरा नहीं है। मदर टेरेसा आस्क्ड ए बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग से थोड़ी पूछेगी वो, आस्क्ड फॉर होता है, बिल्डिंग मतलब एक बिल्डिंग के लिए, रूम के लिए पूछा, आस्क्ड फॉर, ठीक है, आस्क्ड फॉर, ठीक है, वेयर शी एंड हर वर्कर कुड के वर्कर्स कुड केयर फॉर द पुअर पीपल ऑलवेज। नेक्स्ट देखिएगा, शेली सुपीरियर देन ब्रोन, सिंपल सा है, शेली सुपीरियर टू ब्रोन, देन गलत होगा,
इन हिज विजन ऑफ डेमोक्रेसी। लास्ट देखिए, व्हेन एट लास्ट वी गो टू द थिएटर द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स स्टार्स बॉलीवुड स्टार्स वॉज बिगिन। नो, ये वाज यहां पे नहीं आएगा, ये आएगा आपका हैड, बिकॉज ये सारा पास्ट में चल रहा है, यह पास्ट में है ना, और ये आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। ये इस तरह का सेंटेंस मैंने करवाया, व्हेन एट लास्ट वी गो टू द थिएटर द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार हैड बिगेन। तो ये मैंने आपको करवा दिया, जो इस तरह का जो आपका सेंटेंस है ये आपका पास्ट परफेक्ट, आपके पास्ट परफेक्ट टेंसेस होते हैं, और ये जो पास्ट परफेक्ट टेंसेस होते हैं ये बेसिकली एक तरह से तब यूज किए जाते हैं जब आपके दो एक्शन पास्ट में हो। तो यहां पे आपके क्या है, दो एक्शन जो है वो पास्ट में हो रहे हैं, और उसमें आपको पास्ट परफेक्ट जो यूज तब करना है उस एक्शन के लिए जो आपका पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई reached the station, when I reached the station, the train had started। तो यहां पे आपका जो पहले हो रहा है, देखिए ट्रेन जो है वो शुरू हो चुकी थी, तो यानी ट्रेन तो पहले शुरू हुई थी फिर वो स्टेशन पहुंचा। तो यहां पे देखिए, when at last we go to the theater, ठीक है, when at last, और at last हमें वो theater मिल गया, ठीक है, उसका पता मिल गया, the much publicized program, ठीक है, the theater, the much publicized program by the Bollywood stars had begin, मतलब ये जो program था जहां पे आपका ये बॉलीवुड स्टार्स के द्वारा जो मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम था वो ऑलरेडी शुरू हो चुका था, उसके बाद हमें थिएटर का पता मिला। सो देयर इज अ टू एक्टिविटीज इन द अकरिंग इन द पास्ट, एंड पास्ट परफेक्ट आपको तब यूज करना है जो एक्टिविटी आपकी पहले हो रही हो। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी, कल मैंने दो करवाए थे आपको एरर्स, 25 एरर करवाए थे, जिसमें दो एरर्स में स्टूडेंट को डाउट आ रहा था। कोई नहीं, आई विल रिपीट इट अगेन। येस्टरडे माई कार रन आउट ऑफ गैस, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, यहाँ तक येस्टरडे लिखा हुआ है और ये भी पास्ट में है। एंड देन माई फोन रन आउट ऑफ बैटरी, ठीक है। उसके बाद देखिए, आई वॉज अप ए क्रीक विदाउट ए पैडल, नो एरर फाउंड, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अप ए क्रीक विदाउट ए पैडल, ये एक idiom and phrase है, अगर आपने पढ़ा हो idiom and phrase, इसका मतलब है आई वॉज इन ए ट्रबलसम, टी आर ओ यू बी एल, ट्रबलसम सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन, या फिर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सो ये एक idiom and phrase है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और जो डाउट है वो ये आ रहा था यहां पे, ये 12th वाला, ए सीरियल एंटरप्रेन्योर हु मेड हिज फर्स्ट फॉर्चून इन अर्ली डेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ही हैज सिंस हेल्प फाइंड ए, देखिए, सोलर पावर कंपनी टू जनरेट ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। इस सीरियल एंटरप्रेन्योर जिसने अपना फॉर्चून बनाया, हु मेड मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, इन द अर्ली डेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब ही हैज सिंस हेल्प्ड फाउंड आएगा, ठीक है। अब यहां पे अगेन ये जो आपका वर्ड है ना, हेल्प्ड फाउंड, ठीक है, इसका मतलब होता है टू एस्टैब्लिश और स्टार्ट, टू एस्टैब्लिश और स्टार्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, ठीक है, विद अ प्रोविजन ऑफ फ्यूचर फंडिंग, विद ए, टू एस्टैब्लिश और स्टार्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विद अ फ्यूचर प्रोविजन ऑफ फंडिंग, विद अ फ्यूचर प्रोविजन
ऑफ फॉर फंडिंग, ठीक है, ये आपका सेंटेंस इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा ही हैज सिंस हेल्प्ड फाउंड, ठीक है, इटसेल्फ ये इडियम एंड फ्रेजेस जो आपको पास्ट में लेना है। अब आगे के कंटिन्यू करते हैं, और कुछ भी नहीं आया होगा तो समझ, तो प्लीज डाउट अगर कोई है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। एक प्लीज यार रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट तो करके यार एटलीस्ट बता दिया करो, इतना तो कर सकते हो। जब मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं तो आप लोग यार थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो कर ही सकते हो। प्लीज यार जितने भी लोग देखें प्लीज कमेंट करिए, अगर 50 पीपल भी देख रहे हैं तो प्लीज यार प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, इतनी मेरी हेल्प तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। देखिए जब तक आप दूसरों को देना नहीं सीखोगे तब तक यार कोई आपकी हेल्प करे क्यों करेगा। अब आप लोग मुझे बोल देते हो कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, बट जब तक आप लोग ही हेल्प करने को तैयार नहीं हो तो फिर मैं कैसे मेरा वीडियो बनाने का मन करेगा। अब आगे देखिएगा आप, लखदार ब्रह्मणी द यूएस एनवॉय सीरिया सेड डेट द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स इन जिनेवा सेड डेट, सीधा सीधा पता लग रहा है इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच है ये आपकी, और इनडायरेक्ट स्पीच में आपका ये यहां पे कभी भी प्रेजेंट तो आएगा नहीं, हैड आएगा, ठीक है, बिकॉज ये आपका पास्ट में चल रहा है, ठीक है, तो हैड आ गया। ये बहुत ही इजी सा था। आगे 27 देखिएगा, फोर प्रोटेस्टर्स एंड वन पुलिसमैन, ठीक है, ये आपका प्लूरल सेंस है इसलिए आपका वर आ गया, वर किल्ड व्हेन पुलिस क्लियर्ड प्रोटेस्ट साइट, पास्ट में ही है, क्लियर्ड प्रोटेस्ट साइट्स इन बैंकॉक, ठीक है, तो यहां पे सब कुछ करेक्ट है, नो एरर। नेक्स्ट देखिएगा, सो अगला है 28, यूनियन मेंबर से डेट द लिटिल थॉट ही हैज बीन स्पेयर्ड फॉर फैमिलीज ऑफ एम्प्लॉयज हु डेवलप्स, यहां पे देखिए हु डेवलप्स है, सीधा सीधा पता लग गया यहां पे किसके लिए, हु किसके लिए है, फैमिलीज ऑफ एम्प्लॉयज, तो प्लूरल है, तो प्लूरल अगर आ गया आपके पास प्लूरल तो उसके साथ आपको एस या ई एस नहीं लगाना होता, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए। 29 देखिएगा, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स होगा, ठीक है, नेटवर्क्स होता है हमेशा इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 3.6 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए टिल 1970 इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट नेशंस, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट नेशंस हैविंग द हाईएस्ट कोटा विथ आईएमएफ, एंड ड्यू टू दिस स्टेटस इंडिया वाज अलॉटेड परमानेंट स्पेस इन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टिल 1970 इंडिया वाज अमंग दी, ठीक है, अमंग दी हमेशा सेंटेंस में अमंग दी से स्टार्ट होगा, ठीक है, अमंग दी फाइव नेशंस, सॉरी फर्स्ट नेशन, अमंग फर्स्ट नेशन नहीं होता, अमंग दी फर्स्ट नेशन होगा, ठीक है। अगेन 31 देखिएगा, द सुपरिटेंडेंट ऑफ दासना जेल इन गाजियाबाद सेड डेट कोहली हैड बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दसना टू मेरठ जेल एज द फर्स्ट, देखिए सेड डेट बिल्कुल करेक्ट हैड बिल्कुल करेक्ट है, अगर यहाँ पे हैज भी ना आता तो फिर ये गलत होता, हमें रिमूव करना पड़ता है, बिल्कुल आपका इनडायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए हैज बीन, सॉरी हैड बीन ट्रांसफर फ्रॉम दसना टू मेरठ जेल एज द फर्स्ट हैड नोट फैसिलिटीज टू कैरी आउट एग्जीक्यूशन, एज द फर्स्ट हैड नोट नहीं होता, फॉर्मर होता है, एज अ फॉर्मर हम लिखते हैं ना फॉर्मर और लेटर, ठीक है, तो वो वाली चीज है ये, आपने सेंटेंस पढ़े होंगे, ठीक है, तो फॉर्मर और लेटर यूज करते हैं, एज द फर्स्ट और लास्ट यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट और लास्ट कभी भी यूज नहीं करेंगे, फॉर्मर और लेटर जो है वो यूज करेंगे, ठीक है, समझ आया होगा आई होप। 32 देखिएगा, वंस द डिमांड ड्राफ्ट विल बी डिपोजिटेड द इंडिविजुअल विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस। अगेन मैंने आपको कल ये बताया था कि कोई भी कंडीशनल सेंटेंस है, अगर कंडीशंस है उसके बाद आपको फ्यूचर क्लोज तो यूज करना ही नहीं है, ठीक है, आपको फ्यूचर क्लोज नहीं यूज करना है, तो यहाँ पे वंस द डिमांड ड्राफ्ट, जैसे ही डिमांड ड्राफ्ट क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, इज डिपोजिटेड
द इंडिविजुअल विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप 33 वाला। तो 33 जो है हमारा, द वुमेन किल द चाइल्ड बिकॉज बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेक रेवेंज फॉर फ्रॉम हर डॉटर इन लॉ होम शी ब्लेम्ड फ्रॉम होम शी ब्लेम्ड ऑन जिसपे उसने मतलब आरोप लगाया था। होम शी ब्लेम्ड ऑन आरोप लगाना होता है। और एक यहां पे द वुमेन किल्ड द चाइल्ड आएगा, वुमेन ने बच्चे को मारा, इसलिए मारा बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम हर डॉटर इन लॉ होम शी ब्लेम्ड ऑन टेकिंग अवे हर सन। ठीक है, आगे देखिए, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज इश्यूड ए नोटिफिकेशन अलाउइंग द ओपनिंग ऑफ न्यू होलसेल मार्केट्स इन द कैपिटल विच विल बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ द थ्री एग्जिस्टिंग एएमपीसी मार्केट। नो एरर, कोई एरर नहीं है इसमें। 35 देखिएगा, माई रेजिग्नेशन वॉज अ स्पॉन्टेनियस एक्शन सिंस आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट लाइफ अनलेस ओनर इज नो लिविंग एट ऑल। गलत है ये, सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हो रहा। लाइफ विदाउट ओनर इज नॉट लिविंग। ठीक है, बिना इज्जत के जीना कोई जीना नहीं है। 36 देखिए, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल, देखिए वन ऑफ द मोस्ट इस तरह से सेंटेंस यूज होता है, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड मेजर एसेट्स होगा, एसेट्स फॉर इंडिया राइट नाउ इज इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स। ठीक है, ये कंप्लीट आपका वर्ड है। आगे देखिएगा 37th, सो 37th है, इन इंडिया देर इज स्टिल नो वाइड स्प्रेड रिपंजेंस एट द थॉट ऑफ लिटिल हैंड। टॉयलिंग आएगा यहां पे, टॉयलिंग। ठीक है, जिरंड फॉर्म आएगी आपकी, जिरंड फॉर्म। सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होता है, इन इंडिया देर इज स्टिल नो वाइड स्प्रेड रिपंजेंस एट द थॉट ऑफ लिटिल हैंड टॉयलिंग टू मेक द स्टफ वी बाय। नेक्स्ट 38 देखिएगा, सो 38 देखिएगा, इट हैज बीन प्रूवन टाइम एंड टाइम अगेन दैट एक्स एंड डाइट्री कोलेस्ट्रोल। सीधा सीधा सा यहां पे पता लग रहा है, यहां पे तो देख के पता लगा लिया करो। एंड है, और मैंने आपको बताया था अगर आपने 100 गोल्डन रूल्स पढ़े होते तो आप कर पाते। एंड के द्वारा दो सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड कंजक्शन, तो वो आपका क्या लेता है, प्लूरल सेंस लेता है। ठीक है, और प्लूरल सेंस में आपका डू आएगा। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, द मैन हु किल्ड एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हिज डोमेस्टिक हेल्प। एंड द लेटर सन सेड दैट लेटर होता है, लेटर्स, और ये पोस्ट्रोफी एस। ठीक है, फॉर्मर और लेटर इस तरह से होता है ना आपका, वो वाला चीज है ये। आगे देखिएगा 41st, शिक्षा सहयोग योजना वॉज लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्ट टू लेसन द बर्डन ऑफ पेरेंट्स इन, भाई बोझ कम करोगे आप, बर्डन ऑफ पेरेंट्स कम करोगे, टू लेसन किस चीज में, किस चीज में बोझ कम करोगे, तो इनका सेंस आ रहा है ना, टू लेसन द बर्डन ऑफ पेरेंट्स इन मीटिंग द एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन। बर्डन कम करोगे किस चीज में, ठीक है, वो सेंस ये निकल के आ रही है, मे की सेंस आपके पास यहां पे निकल के आ रही है। आगे देखिए 42, द पॉवर्टी एस्टिमेट्स इंडिकेट दैट, बिल्कुल आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका हो रहा है, प्लूरल है, इसके साथ इंडिकेट आएगा। That the highest poverty headcount ratio, that the highest poverty headcount ratio exists आएगा,
ठीक है, सिंगुलर है और इसके साथ हमेशा एस या ई एस लगता है, ठीक है, तो यहां पे आपका एस आएगा, ठीक है। द हाइएस्ट पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो एग्जिस्ट इन बिहार, ठीक है। सो आगे देखिएगा 43rd एंड द 44th, द 43rd इज द प्रीडोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी इज मैनिफेस्टेड इन इट्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद टू ही आता है, टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरन एक्सचेंज अर्निंग्स, बिल्कुल ठीक है। द प्री डोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, दी आएगा यहां पे इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज ये आपका क्या है स्पेसिफिक, इसी की बात हम कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की, इन इंडियन इकोनॉमी नहीं, इन द इंडियन इकोनॉमी इज मैनिफेस्टेड इन इट्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू, ये बिल्कुल करेक्ट है यहां तक। उसके बाद देखिए 44th, 44th है आपका एन एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया हैज बीन टू प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया हैज बीन टू प्रोवाइड फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखिए टू प्रोवाइड फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पे क्या होगा आपका टू मीट पहले आएगा टू मीट नॉट ओनली द बैकलॉग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बट आल्सो द न्यू एडिशंस ऑफ द लेबर फोर्स तो ये सेंटेंस होगा टू प्रोवाइड फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मीट Not only the backlog of unemployment, क्योंकि यहां पे देखिए टू प्रोवाइड फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मीट ये सेंटेंस यहां तक कंप्लीट करना आपको आगे फिर बताना है फंक्शन क्या क्या करने के लिए नॉट ओनली ठीक है द बैकलॉग ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू मीट नॉट ओनली the backlog of unemployment but also the new additions to the labor force aage 45th dekhega aap 45th aapko dekhna hai the importance of sports in harnessing the power of youth to youth ये करेक्ट है यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन हार्नेसिंग द पावर ऑफ यूथ टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे देखिए मैंने आपको फिर बताया था एंड से पहले आपको इक्वेशन क्या करनी है बैलेंस करनी है पैरेलल करनी है इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए यहाँ पे आपका सारा जो पार्ट है वो प्रेजेंट में चल रहा है प्रेजेंट में चल रहा है कि स्पोर्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो यूथ की पावर को हार्नेस करने में ही है टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग इन हार्नेसिंग द पावर ऑफ यूथ टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक है देखिए यहाँ पे चलो एंड का तो स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ पे थोड़ा पास्ट और प्रेजेंट के बारे में खैर अभी पता नहीं लगा एंड का आगे पढ़ते हैं इसको नेशनल बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज एविडेंट एवर सिंस द 1986 ओलंपिक गेम्स हाँ जी तो
तो यहाँ पे सिंस आपका लगाया हुआ है, तो अगर सिंस लगाया हुआ है तो इससे पहले आपका वॉज तो नहीं आएगा, ठीक है? सो यहाँ पे आएगा आपका हैज बिन, ठीक है? तो ये आपका पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है? एवर सिंस द 1986 ओलंपिक गेम्स, ठीक है? क्योंकि कोई पास्ट की बात नहीं करी, सिंपल है, प्रेजेंट का नॉर्मल सेंटेंस बोल रहा है कि जो स्पोर्ट की इम्पोर्टेंस है इन यूथ की पावर को हार्नेस करने में, नेशन बिल्डिंग की तरफ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, हैज बिन एविडेंट, वो शुरू हो ही चुकी है, एवर सिंस हैड एविडेंट, ठीक है? हैज बिन एविडेंट, वो शुरू हो चुकी है एवर सिंस द 1986 ओलंपिक गेम्स, जब से 1986 के ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए हैं तो ये हो चुकी है, ठीक है? हो चुकी है, इस तरह से ये आपका सेंस जो है वो निकल रहा है, ठीक है? आगे देखिएगा, द वुमेन राइडिंग पिलियन ऑन टू व्हीलर्स इन द कैपिटल हैव टू कंपल्सरीली वियर हेलमेट्स अकॉर्डिंग टू द फाइनल नोटिफिकेशन इश्यूड बाय, या तो सीधा सीधा पता लग रहा है बाय दी होएगा, बाय दी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है? स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, इसलिए यूज होगा। उसके बाद देखिए 47th एंड 48th भी हम देख लेते हैं। 47th देखिएगा आप, अरुण जेटली लाइफ हैज बिन फुल ऑफ आएगा यहाँ पे, फुल ऑफ ड्रामेटिक लूप्स, सडन अप स्विंग्स एंड अ फ्यू डाउन टर्न टिल फाइनली ही हैज अराइव्ड एट अ जॉब डेट हैज हिम एट द हेल्म ऑफ नेशंस इकोनॉमी अफेयर्स, ठीक है? ये सेंटेंस आपका हो गया, तो फुल ऑफ आएगा, आगे देखिएगा 49th, 48 देखिएगा, सिंस द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950 इट इज फॉर द थर्ड टाइम दैट गवर्नर्स दिस टाइम एज मच एज 9 हैव हैड टू गो फॉलोइंग ए चेंज ऑफ गार्ड एट द सेंटर सिंस द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950, ये करेक्ट है यहाँ तक, इट इज फॉर द थर्ड टाइम दैट, ये तीसरी बार ऐसा होता है दैट गवर्नर्स दिस टाइम एज मैनी एज आएगा, एज मैनी एज 9 हैव हैड टू गो फॉलोइंग अ चेंज ऑफ गार्ड एट द सेंटर। तो एज मैनी एज 9, ये नंबर आ गया ना, नंबर के लिए तो हम मैनी नंबर्स, मच नंबर्स हम कभी नहीं लिखते, ठीक है? ये मैंने आपको बताई थी चीज। द डिक्लेयरिंग ऑफ ए लॉन्ग टर्म सीज फायर बिटवीन इसराइल एंड हमास, बिल्कुल ठीक है, बिटवीन है, इसके बाद एंड हो रहा है, दो के बीच की बात हो रही है। आफ्टर 50 डेज ऑफ अगेन ऑन अगेन फाइटिंग हैज बोट इमीडिएट रिलीफ टू बोथ साइड्स, द डिक्लेरेशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म सीज फायर होगा, डिक्लेरेशन नॉट डिक्लेयरिंग, डिक्लेरेशन नाउन आएगा यहाँ पे, डिक्लेरेशन ऑफ LARATION, तो डिक्लेरेशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म सीज फायर बिटवीन, ये कंजक्शन बिल्कुल ठीक है, बिटवीन इज फॉलोड बाय एंड, आफ्टर 50 डेज ऑफ गेन एंड नो अगेन हैज इमीडिएटली रिलीव टू बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर बिटवीन इसराइल एंड द गाजा स्ट्रिप। आगे देखिए, लॉ मेकिंग इज द रूटीन बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट एंड रिव्यूइंग फॉर पॉसिबल रिपील शुड ऑल्सो हैपन रूटीनली, तो ये तो बिल्कुल इजी है, लॉ मेकिंग जो है वो गवर्नमेंट के लिए रूटीन बिजनेस है एंड पॉसिबल रिपील के लिए रिव्यूइंग करना, रिव्यूइंग फॉर द पॉसिबल रिपील शुड ऑल्सो हैपन रूटीनली एंड रिव्यू फॉर पॉसिबल रिपील, ये इस तरह सेंटेंस होगा, रिव्यू फॉर पॉसिबल रिपील।
देखिए यहाँ पे आ गया आपका रिव्यू फोर। देखिए रिव्यूइंग फोर कभी भी नहीं होता, रिव्यू फोर होता है, ठीक है, रिव्यू फोर होता है हमेशा, ऑलवेज। फॉर द पॉसिबल रिव्यूल शुड हैपन रूटीनली। तो मैंने आपको कुछ करवा दिए हैं, इसके अलावा अगर आपका कुछ डाउट हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और 100 गोल्डन एरोस आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका दिन शुभ हो।